छात्रों, कक्षा 11वीं व्यावसायिक अध्ययन के अंतर्गत इकाई 4 में अध्याय 8 में हम अध्ययन कर रहे थे व्यावसायिक सेवाएं बैंकिंग, बिजनेस सर्विस बैंकिंग। यहां हमने अभी देखा था व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के बारे में। यहां हम अध्ययन करेंगे बैंकिंग प्रक्रिया क्या है, बैंक हम किसे कहते हैं। तो सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि हमारे घरों के आसपास के क्षेत्र में ऐसे बैंक जो कि हमारी जमा पूंजी को हमसे प्राप्त करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर हमें हमारे द्वारा जमा पूंजी को वापस करते हैं, साथ ही हमें आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्रदान करते हैं। तो एक व्यावसायिक संस्था जिस प्रकार से वस्तुओं को खरीदती है और फिर उसको बेचती है, लाभ कमाती है, ठीक इसी प्रकार से बैंक भी जो है जमा प्राप्त करते हैं और इस जमा को प्राप्त करके जो है उधार देते हैं ऋण के रूप में। अब यहाँ पर जमा प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार से एक व्यवसायी माल बेचने के लिए माल को खरीदता है और फिर माल को बेचता है और इस प्रकार से वो लाभ कमाता है, ठीक इसी प्रकार से बैंक भी जो है यहाँ पर जमा प्राप्त करते हैं और जिसको आवश्यकता है उसको ऋण के रूप में उधार देते हैं, तो इस प्रकार से वो भी वहां पर क्या कमाते हैं, लाभ प्राप्त। तो सामान्य तौर पर जो बैंकिंग प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर हम इस रूप में देखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि बैंक की जो परिकल्पना है ये बहुत प्राचीन समय से है। हमारे देश में पहले सेठ साहूकार महाजन इन लोगों के द्वारा जो है लोगों को ऋण दिया जाता, लेकिन जैसे जैसे बैंकिंग व्यवस्था लागू हुई, इसका विस्तार और विकास हुआ, उस क्रम में हम देखेंगे कि बैंकों का जो क्षेत्र है वो कितना विस्तृत हुआ। तो यहाँ हम जानते हैं बैंकिंग जो है वित्तीय सेवाओं की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेवा है। एक व्यवसाय जो होता है वो उसके वित्त जो है पूंजी धन जो है वो क्या है, जीवन रक्त के समान है। यदि व्यवसाय में पूंजी ना हो तो उसके बगैर व्यवसाय को संचालित करना बहुत ही कठिन है। तो यहां पर जो है बैंक जो है वित्तीय सेवाओं का क्या है, महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राचीन संदर्भ में हम देखें तो आधुनिक बैंकिंग का जो प्रारंभ है 17वीं शताब्दी में हुआ, जबकि 1609 में हॉलैंड में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम की स्थापना की गई थी। वहीं 1619 में जर्मनी में बैंक ऑफ हैम्बर्ग की स्थापना की गई थी। सन 1694 में इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना। तो बैंक शब्द जो है वो कब जो है प्रयोग लंबे समय से होता आ रहा है। प्राचीन समय में इटली में जो व्यापार गृह प्रारंभिक बैंक का कार्य करते थे उनको बैंची कहा जाता था। और भी जो है अन्य विचारधारा के अनुसार जो है बैंक शब्द जो है बच से निकला है, जिसका अर्थ होता है मिश्रित स्कंद कोष। तो इस प्रकार से जो है आधुनिक बैंकों का जो प्रारंभ है वो यूरोप में हुआ और जो धीरे धीरे बढ़ता हुआ सारी दुनिया में फैल गया। तो ये जो बैंक की प्राचीन अवधारणा थी, बैंक का जन्म किस प्रकार से हुआ, ये था हमारे सामने। यहां हम देखते हैं हमारे सामने परिभाषा है बैंक की। बैंकर जो है उस व्यक्ति या कंपनी को कहते हैं जो अपने ग्राहकों से प्राप्त हुए धन की रक्षा करता है। अर्थात सबसे पहले बैंकर जो है वो व्यक्ति या वो संस्था या वो फर्म है जो अपने ग्राहकों से जमा को प्राप्त करता है, अर्थात उनसे प्राप्त धन को अपने पास सुरक्षित रखता है। इसका प्रमुख कार्य जो है अपने ड्राफ्ट चेक या ऑर्डर पर भुगतान करना होता है।
एक ग्राहक का जो पैसा बैंक में जमा होता है उसका जो भुगतान है वो विभिन्न माध्यम से ड्राफ्ट, चेक या ऑर्डर के माध्यम से वो भुगतान करता है। तो बैंकर वही व्यक्ति है जो अपने साधारण व्यवसाय के अंतर्गत लोगों का रुपया जमा करता है तथा उन व्यक्तियों को चेक का जिन्होंने इसे जमा किया है भुगतान करके चुकाता है। बैंकर वही व्यक्ति है, वही संस्था, वही फर्म है जो एक साधारण व्यवसाय के अंतर्गत लोगों से रुपया को जमा के रूप में स्वीकार करता है तथा उन्हीं व्यक्तियों को चेक का जिन्होंने इसे जमा किया है उनकी ओर से उनको भुगतान करके चुकाता है। इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि बैंकर उसे कहा जा सकता है या बैंकर के जो कार्य हैं वो उनको हम इस रूप में ले सकते हैं। नंबर एक, खातों के माध्यम से जनता से उनकी जमा पूंजी स्वीकार करता है। विभिन्न प्रकार के खाते खोले जाते हैं बैंक में। सामान्य तौर पर जो हमारे व्यक्तिगत खाते होते हैं वो बचत खाते के रूप में होते हैं, फिर मियादी जमा खाते भी होते हैं जिसमें हम एक निश्चित समय में जो है पैसा जमा करते हैं, फिर चालू खाता भी होते हैं जो व्यवसायिक उपक्रमों के खाते कहलाते हैं। तो इन खातों के माध्यम से जो है इन खातों में हम अपनी जमा पूंजी को जमा करते हैं और बैंक उनको अपने पास सुरक्षित रखता है। फिर दूसरा जो है जमा की वापसी, जो हमारी जमा है जब हम डिमांड करते हैं, वापसी मांगते हैं उनसे या उसकी अवधि पूरी हो जाती है जमा की, तब वो क्या है, अवधि जमा पूरी होने पर वो जमा पूंजी हमें वापस प्राप्त होती है। फिर जमा का जो उपयोग है बैंक उधार या विनियोग में करता है। बैंक जो हमसे जमा पूंजी प्राप्त करती है उसका उपयोग जो है वो दूसरी तरफ ऋण के रूप में प्रदान करती है और भी दूसरी जगह जो है उसको विनियोग इन्वेस्ट करती है और उससे लाभ प्राप्त करती है और एक हिस्सा वो अपने पास रखती है और एक हिस्सा वो अपने ग्राहकों को प्रदान करती है। तीसरा जो है इसमें नेक्स्ट, अपने ग्राहकों के लिए अथवा उनकी ओर से चेकों का संग्रह भी करता है। तो बैंक जो है अपने ग्राहकों के लिए अथवा उनकी ओर से चेकों का संग्रह करती है अर्थात चेकों का भुगतान वो करती है, तो ये कहलाता है बैंकर। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि बैंकर के जो कार्य हैं वो ये हैं। इसके बाद हम आते हैं बैंकों के प्रकार पर। विभिन्न प्रकार के जो बैंक हैं उनके कौन कौन से प्रकार हैं। इसमें सबसे पहला जो बैंक है वो है व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक आमतौर पर वही बैंक हैं जो कि आम जनता से जमा को प्राप्त करते हैं। हमारे आपके जनरल जो भी खाते बैंक में होते हैं वो सारे बैंक कौन से कहलाते हैं, व्यापारिक बैंक, तथा उन्हें ऋण देते हैं। ये बैंक जो है जनता से जमा को प्राप्त करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करते हैं। साथ ही हुंडियों का क्रय विक्रय करते हैं। हुंडी एक प्रकार की क्या है, विलेख है जिसके अंतर्गत जो है उसका भुगतान किया जाता है। तो समय अवधि होने पर हुंडियों को खरीदना, हुंडियों को बेचना, ये काम भी व्यापारिक बैंक करते हैं। इसके पश्चात धन का हस्तांतरण, जो हमारी जमा पूंजी है हमारे आदेश पर बैंक जो है दूसरे खाते में पैसे को ट्रांसफर करती है, वो कहलाता है धन हस्तांतरण। फिर लॉकर्स की सुविधा, व्यापारिक बैंक जो है हमारी जो कीमती वस्तुएं हैं उनको वो अपने लॉकर्स में सुरक्षित रखती हैं, तो यहाँ पर लॉकर्स की सुविधा प्रदान करती हैं। फिर इसके साथ उद्योग एवं व्यापार के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करना। अब व्यापारिक बैंक जो हैं उद्योग और व्यवसाय के लिए अल्पकालीन अवधि का ऋण भी प्रदान करते हैं, साथ ही अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट जो हमारी जमा पूंजी है उसके बिहाफ में कुछ एक निश्चित परसेंटेज तक हमें वो ऊपर राशि प्रदान करते हैं, वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। फिर नगद साख, नगद हमें ऋण की जरूरत है तो वो हमें प्रदान करते हैं, साथ ही विदेशी विपत्रों को भुनाकर ऋण प्रदान करना, जो भी हमारे विनिमय विपत्र हैं विदेशी फॉरेनर उनको भुनाकर जो है हमें ऋण प्रदान करती है। इसके अलावा अन्य कार्य, हाउस लोन वगैरह, एजुकेशन लोन वगैरह, पर्सनल लोन वगैरह, ये और भी बहुत सारे प्रकार के जो लोन्स हैं वो हमें
व्यापारिक बैंक से प्राप्त होते हैं। तो भारत के अधिकांश जो है संयुक्त पूंजी बैंक व्यापारिक बैंक के उदाहरण है। बहुत सारे बैंक जैसे SBI, आपके इंडियन बैंक, ICICI, इस तरह के बहुत सारे बैंक जो जिनको हम अपने आसपास देखते हैं, ये सब कौन से बैंक हैं? व्यापारिक बैंक। तो ये पहला प्रकार का जो है वो कहलाता है व्यापारिक बैंक। दूसरा बैंक जो है औद्योगिक बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक। ये बैंक जो हैं बड़े उद्योग धंधों के लिए दीर्घकालीन लंबे समय तक के लिए ऋण प्रदान करते हैं, जिनकी अवधि 20 साल 40 साल तक की हो सकती है। तो ये उद्योग धंधों के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। साथ ही बड़ी औद्योगिक संस्थाओं के अंश पत्र, ऋण पत्र आदि के विक्रय के साथ अंश पत्र ऋण पत्रों का अभिगोपन भी करते हैं। तो यहां पर जो है औद्योगिक बैंक जो है ये बड़े उद्योग, बड़े व्यापार व्यवसाय के लिए जो है लंबे समय तक के लिए ऋण प्रदान करते हैं। बड़ी मशीनरीज के लिए, बड़े इक्विपमेंट्स स्थापित करने के लिए जो है, जो जिन पे लंबे समय तक लोन यहाँ पर स्वीकृत किया जाता है। फिर यहाँ पर जो है औद्योगिक संस्थाओं के अंश पत्र, ऋण पत्र, बॉन्ड्स आदि के विक्रय के साथ अंश पत्रों और ऋण पत्रों का अभिगोपन भी करते हैं। अभिगोपन मतलब अंडररराइटिंग। अभिगोपन जो है एक सार्वजनिक कंपनी के लिए, अपने जब अंश पत्र और ऋण पत्र बाजार में जारी करती है तो उसको न्यूनतम अभिदान के रूप में लगभग 90% आवेदन के रूप में उसको राशि प्राप्त होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में न्यूनतम अभिदान जो है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ बैंक जो हैं कंपनियों को ये आश्वासन देती हैं कि यदि 90% से कम अंश पत्र या ऋण पत्र उनके एप्लीकेशन मनी कम आती है तो वो उनको उसकी पूर्ति वो करेंगे। तो ये कहलाता है अभिगोपन कहलाता है। ये बैंक जो है इनके जो आय के स्रोत हैं अंश पत्र और ऋण पत्र के माध्यम से दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त करते हैं। औद्योगिक बैंक जो है अपनी जो पूंजी प्राप्त करता है वो अपने अंश पत्र और ऋण पत्रों को जारी करके जो है लंबे समय तक के दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त करता है। तो यहाँ पर दो प्रकार जो हमने देखे, व्यापारिक बैंक और औद्योगिक बैंक। इसके बाद हमारे सामने ये कृषि बैंक, एग्रीकल्चर बैंक। जैसा कि कृषि बैंक नाम से स्पष्ट है कि कृषि कार्य के अंतर्गत बीज, खाद, मजदूरी के भुगतान के लिए अल्पकालीन व कृषि भूमि के क्रय विक्रय, उसके विकास व भारी मशीनों को खरीदने के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। अब कृषि कार्य के अंतर्गत जो है किसानों को बीच बीच में बीज के लिए, खाद के लिए, मजदूरी का भुगतान के लिए या जमीन को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए छोटी मोटी मात्रा में समय समय पर उन्हें ऋण की जरूरत होती है, तो उसके लिए अल्पकालीन ऋण। साथ ही बड़ी भूमि खरीदने के लिए, ज़्यादा भूमि खरीदने के लिए, भूमि का डेवलपमेंट करने के लिए और भारी मशीनों को खरीदने के लिए, ट्रैक्टर वगैरह खरीदने के लिए या जो भी अदर इक्विपमेंट, बड़े इक्विपमेंट से जो कृषि कार्य में यूज होते हैं उसके लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। तो कृषि बैंक जो है दोनों प्रकार से अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। ये सिर्फ कृषि कार्य से संबंधित कार्यों के लिए ही ऋण प्रदान करता है। कृषि बैंक जो है इन ऋणों की आपूर्ति क्रमशः कृषि सहकारी बैंक और दूसरा भूमि विकास बैंक, तीसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से यहाँ पर करता है। तो ये कृषि बैंक। इसके बाद चौथा आपका विदेशी विनिमय बैंक। ये बैंक जो हैं विदेशी व्यापार का ही अर्थ प्रबंधन करते हैं, अर्थात जो माल का आयात निर्यात किया जाता है उसकी जो मुद्रा जो है उसके व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी? विदेशी विनिमय बैंक की। ये बैंक जो है विदेशी व्यापार का ही अर्थ प्रबंधन करते हैं, निर्यातक को उसकी वस्तु की कीमत उसकी मुद्रा में देने की व्यवस्था करना। यदि हम किसी भी देश से माल को निर्यात करते हैं तो उस देश का जो आयातक है वो उसी पर मुद्रा चाहता है, जो उस देश की उसकी मुद्रा है। तो यहाँ भुगतान करने की जो समस्या है, उस देश की मुद्रा में हमें जो भुगतान करना है
उस समस्या को विदेशी विनिमय बैंक के माध्यम से हल किया जाता है। तो एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने का कार्य जो है विदेशी विनिमय बैंक करती है। पांचवें प्रकार का जो प्रकार है वो है बचत बैंक, सेविंग बैंक। ये बैंक जो है छोटी छोटी बचत को स्वीकार करके उत्पादक कार्यों में लगाता है। तो एक प्रकार से जैसे हम व्यापारिक बैंक, जो अभी हमने जिसके बारे में जाना कि व्यापारिक बैंक के अंतर्गत जो है हम अपनी जमा पूंजी को उस बैंक में जमा करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसको हम वापस प्राप्त करते हैं। तो ये बचत बैंक भी जो है ये बहुत छोटी छोटी बचत को स्वीकार करते हैं और उसको उत्पादक कार्यों में लगाते हैं। जमाकर्ता जो है अपनी बचत को आवश्यकता अनुसार कभी भी निकाल सकता है। ये कार्य डाकघर एवं कियोस्क के माध्यम से भी वर्तमान समय में किया जाता है। तो बचत बैंक एक आम वर्ग के लिए, जिनकी पहुंच जो है बड़े बैंकों तक नहीं हो पाती, उनके लिए छोटे छोटे स्थानों पर ये इस प्रकार के बैंक स्थापित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए डाकघर और कियोस्क, इनके माध्यम से जो है एक व्यक्ति अपनी छोटी छोटी जमा पूंजी को बैंक में जमा करता है और आवश्यकता पड़ने पर या टर्म अवधि समय अवधि पूरा होने पर वो उसको वापस निकाल लेता है। अब यहाँ पर जो बचत बैंक है इस छोटी छोटी जमा पूंजी को इकट्ठा करके इनको उत्पादक कार्यों में लगाते हैं और इसके बदले में जो है वो जमाकर्ता को ब्याज वगैरह प्रदान करते हैं। तो ये कहलाते हैं बचत बैंक। इसके बाद है जो है केंद्रीय बैंक, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, RBI, इसको हम बोलते हैं केंद्रीय बैंक। ये जो बैंक है ये बैंकों का बैंक कहलाता है। सारे बैंकों के ऊपर जो कमांडिंग होती है वो RBI की होती है, केंद्रीय बैंक की होती है। ये जो है बैंकिंग प्रणाली का शीर्षस्थ बैंक होता है। ये सभी बैंकों के ऊपर का बैंक होता है। इसका जनता से कोई संबंध नहीं होता। अर्थात जैसे दूसरे बैंक है, औद्योगिक बैंक है या व्यापारिक बैंक हैं, बचत बैंक हैं, ये सारे बैंक जो हैं आम जनता से जुड़े होते हैं, व्यापार व्यवसाय उद्योग से जुड़े होते हैं, लेकिन RBI जो है केंद्रीय बैंक, इनका जो है जनता से कोई संबंध नहीं होता। अब केंद्रीय बैंक का जो कार्य है मुख्य है नोट का निर्गमन करने का होता है। केंद्रीय बैंक का जो मुख्य कार्य है वो नोट निर्गमन का होता है। दूसरा, सरकार को आवश्यकता पड़ने पर अल्पकालीन ऋण ये प्रदान करती है। तीसरा जो है संबद्ध बैंक आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्राप्त करते हैं। जो भी जो इसके सदस्य हैं, जो इस बैंक से जुड़े हुए हैं, आवश्यकता पड़ने पर उन बैंकों को केंद्रीय बैंक जो है ऋण प्रदान करता है। तो वर्तमान में जो भारत का केंद्रीय बैंक वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये केंद्रीय बैंक कहलाता है। तो ये जो छठवां प्रकार है आपका केंद्रीय बैंक। इसके बाद अंतिम जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय बैंक। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्या को दूर करने व सदस्य देशों को आर्थिक वित्तीय सहायता प्रदान करने व देश के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये बैंक जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उस के सदस्य हैं उन देशों की आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए उनकी आर्थिक और उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने में ये बैंक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्हें अपने देश के विकास हेतु विभिन्न वित्तीय और आर्थिक सहायता प्रदान करता है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जो है क्षतिग्रस्त देशों के विकास हेतु 1945 में दो संस्था विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की स्थापना की गई। इन दोनों बैंकों के माध्यम से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसके सदस्य देश हैं उनके लिए जो है आर्थिक और वित्तीय सहायता मुख्य रूप से ये अंतर्राष्ट्रीय बैंक प्रदान करता है। साथ ही ये दोनों बैंक जो हैं विदेशी विनिमय मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के साथ साथ विदेशी मुद्रा की पूर्ति में भी ये सहायक होती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। तो यहाँ पर आज हमने जो है विभिन्न प्रकार के बैंकों के बारे में जाना, बैंकों की परिभाषा क्या थी और बैंकों के जो प्रकार हैं, जैसे सबसे पहले आपको बताया व्यापारिक बैंक, फिर औद्योगिक बैंक, कृषि बैंक,
विदेशी विनिमय बैंक और बचत बैंक और केंद्रीय बैंक और अंतिम ये आपका अंतर्राष्ट्रीय बैंक। इसके बाद हम देखेंगे बैंकों का महत्व क्या है। तो सबसे पहला महत्व तो व्यापार व उद्योग में मदद करता है। व्यापार व उद्योग के यंत्र लगाने हेतु पूंजी उपलब्ध कराने के लिए बचतकर्ता की बचत को एकत्रित कर ऋण उपलब्ध कराना। तो सबसे पहला जो इसका महत्व है, ये व्यापार व्यवसाय उद्योग में मदद करता है। व्यापार व्यवसाय उद्योग के विकास विस्तार, उनकी टेक्निक को बढ़ाने के लिए, नए यंत्रों की स्थापना करने के लिए पूंजी उपलब्ध कराता है। और ये पूंजी इसके पास कहाँ से आती है, बचतकर्ता की बचत को एकत्रित करके ऋण के रूप में उन्हें उपलब्ध, अल्पकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण के रूप में उपलब्ध कराती है। दूसरा जो है भुगतान करने की सुविधा, बड़े भुगतान जो है चेक ड्राफ्ट के माध्यम से करना व इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान जो है सुरक्षित रूप से करना। वर्तमान समय में जो है इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जो है भुगतान हम आप जनरली करते ही हैं, तो और साथ ही चेक और ड्राफ्ट के माध्यम से, तो ये जो भुगतान है बहुत सुरक्षित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारा पैसा जो है वो पहुंच जाता है। तो ये भुगतान करने की सुविधा बैंकों के माध्यम से। तीसरा, पूंजी संचय को प्रोत्साहन, बैंक द्वारा जो है हमें हमारी जमा पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, साथ ही हमारी जमा पूंजी को दूसरी जगह इन्वेस्ट करके विनियोग करके जो उसका लाभ हमें प्रदान किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर हमें ऋण भी प्रदान करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूंजी संचय के लिए जो है बैंक हमें क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, हमारा उत्साह बढ़ाता है। फिर आर्थिक विकास में सहायता, बचत के प्रोत्साहन से देश में पूंजी का उपयोग जो है उत्पाद की कार्य में लगाने से देश का आर्थिक विकास तेजी से होता है। एक देश में जितनी अधिक बचत होती है उस बचत को जो है मुख्य रूप से उत्पाद की कार्यों में लगाया जाता है, देश के उद्योग के विकास में, व्यापार के विकास में तेजी से लगाया जाता है, और जिससे देश का क्या होता है, आर्थिक विकास तेजी से होता है। फिर ग्राहकों को लाभ, यहाँ पर जो है बैंक ग्राहक की तरफ से उसका भुगतान करता है, उनकी ओर से क्रय विक्रय करता है व उद्योग व्यापार व्यवसाय में स्थापना में सलाह व प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। तो बैंक जो है ग्राहकों की तरफ से हमारे आदेश पर संबंधित व्यक्ति को भुगतान करता है, साथ ही हमें यदि कोई वस्तु खरीदनी है या बेचनी है तो बैंक के माध्यम से भी इस करस्पॉन्डेंस आजकल किया जाता है। वहीं उद्योग व्यापार व्यवसाय की स्थापना हमें करनी है, बैंक से हम लोन ले रहे हैं, तो यहाँ पर बैंक जो है हमें वहाँ पर किस प्रकार से किया जाना है उद्योग व्यवसाय को स्थापित, उसके संबंध में सलाह प्रदान करता है और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है, तो ग्राहकों को इससे लाभ है। वहीं अंतिम जो है धन की सुरक्षा, बैंक जो है हमारी अतिरिक्त जो जमा पूंजी है, जो बचत की पूंजी है, उसको सुरक्षित रूप से बैंक अपने पास रखती है, साथ ही हमें लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध कराता है जिसमें हम अपनी कीमती सामग्री को उसमें रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा बैंकों का महत्व जो है वर्तमान समय में किस प्रकार का है। बैंकिंग का अर्थ स्पष्ट करिए व उसकी परिभाषा दीजिए और बैंकिंग के कार्य लिखिए। और तीसरा जो है बैंकों के विभिन्न प्रकार को विस्तार से समझाइए, जो भी हमने यहाँ पर देखे, व्यापारिक बैंक, औद्योगिक बैंक, कृषि बैंक, विदेशी विनिमय बैंक इत्यादि, इन सबके बारे में आपको विस्तार से समझाना।